अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु जी। आज हम बटर चिकन बनाने जा रहे हैं, बटर चिकन मक्खनी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये हमने 400 ग्राम्स चिकन लिया है, जिसको अच्छी तरीके से साफ करके वॉश करके रख लिया है, पूरा पानी ड्रेन कर लिया है। तो उसमें ये मैं आधा चम्मच पहले सॉल्ट डाल दूंगी, ये आधा नींबू भी डाल देंगे। इसे पहले हम मैरिनेट करके 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी मैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये हो गया। उसी के साथ ये आधा, ये 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, जिसमें से आधा मैं अभी मैरिनेशन के लिए यूज करूंगी और आधा हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून है तो आधा लिए हैं अभी हमने। इसी के साथ ये दही भी लेंगे हम, ये 2, ये 3, ये पूरा ले लेंगे। लगभग 2.5 चम्मच दही है, ये थिक योगर्ट है। अभी मेक श्योर कीजिए कि दही, अगर आप थिक वाला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर बहरहाल नहीं मिलता है तो नो इश्यूज। इसे थोड़ा पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं इसमें अभी शामिल कर देती हूँ पेपरिका, यानी कि मिक्स्ड हर्ब्स। ये थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स है, ये आपको कोई भी डीमार्ट वगैरह मॉल में आसानी से मिल जाएगा, ग्रोसरी सेक्शन में। मिक्स्ड हर्ब्स हम डाल रहे हैं इसमें, तो ये मैं आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। और ये कसूरी मेथी है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये होममेड है हमारी कसूरी मेथी, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह अभी मिक्स करके मैं 20 मिनट्स तक इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी, फिर आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं हम। तो अभी मैं इसको कवर करके 20 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। अब मैं इसमें ये आधा चम्मच अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर दी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ। और वहीं पे साइमल्टेनियसली हम गैस पे ये पैन रख देते हैं, इसे गर्म होने छोड़ देते हैं, और तब तक हम ये अदरक लहसुन अच्छी तरह मिक्स करके ले लेते हैं। ये इतना मेजर स्पून भर के हमने ये तेल डाल दिए है इसमें, और ये थोड़ा सा हम बटर भी डाल देंगे। तेल इसके लिए डालते हैं पहले, नहीं तो बटर जल जाएगा। तो बटर हमारा ना जले, मस्का हमारा ना जले, इसके लिए थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे ये कर गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, और अब हम एक एक करके ये मैरिनेटेड पीसेस इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। सारे पीसेज मैं ऐसे ही डाल दूंगी, फ्लेम स्लो कर दूंगी, और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए। अभी थोड़ी देर में चिकन अपना पानी रिलीज कर देगा, तो वो पानी भी हमें सुखाना है। तो पहले मैं ये पीसेस सब डाल दूं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। अब मैं इसको लिड लगा के 2 मिनट कुक करने रखती हूँ। ये देखिए, ये चिकन ने अपना पूरा पानी रिलीज कर दिया है। तो अब मैं एक एक पीस पलट देंगे हम दोनों तरफ से, इसे अच्छी तरीके से मतलब 100% नहीं गलाना है, जस्ट 80% इसको अभी गलाना है, बाकी का 20% हम ग्रेवी में इसे गला देंगे। तो खाली अभी मैं दोनों तरफ से, दोनों ओर से अच्छे सीख जाए, बस इतना ही इसे पकाऊंगी।
और 100% कुक हम ग्रेवी में इसे कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम 80% कुक कर देंगे और इसने जितना भी पानी रिलीज किया है अभी चिकन ने, ये पूरा हम अभी ड्राई कर देंगे। इसे ड्राई कर देंगे, मैं दोबारा से लिड लगा देती हूँ और 2 मिनट, 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से इसे चेक करके पूरा पानी इसका ड्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छा खासा पानी रिलीज हो चुका है, तो अब ये सारा पानी हम इसका सुखा लेंगे, इसी तरह भूनते हुए सुखा लेंगे। तो इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये हमने अच्छी तरह भून के ड्राई इसे फ्राई करके ले लिया है, सारा पानी इसका हमने सुखा दिया है। अब इसी पैन में हम ये बटर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा और डाल देंगे। और इसमें हम ये एक छोटी सी प्याज हमने लिए, वैसे ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लीजिए, हमने लिया है और इसे भून लेंगे। लेकिन आप ग्रेवी में हम नमक बहुत ध्यान से डालेंगे, तो नमक हम फिलहाल लास्ट में ही डालेंगे, ग्रेवी में गड़बड़ नहीं करेंगे नमक डालने की, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में नमक डाला हुआ है। इसे भून लिए, इसे भूनने के बाद ये बचा हुआ जो हमने अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा था वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। 2 मिनट तक इसे मैं इसी तरह सॉटे कर लूंगी और तब तक सॉटे करूंगी जब तक ये ऑयल रिलीज ना हो जाए इसका, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये अच्छी तरह भून गया, इसका कलर चेंज हो गया, तो ये 3 इलायची डाल देंगी, ये 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये 6 से 7 हमने काली मिर्च लिया है और ये 3 लौंग ये भी शामिल कर दूंगी, ये 2 तेज पत्ते हैं ये भी शामिल करके भून लूंगी। फूड कलर ये ऑरेंज फूड कलर है, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, ये बाद में हम डालेंगे, बताती हूँ आपको। ये इतना डाल के हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए, इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये गरम मसाले की खुशबू इसमें जज्ब हो जाए। बहुत अच्छी लगती है जब ये खुशबू इसमें एब्जॉर्ब होती है तो, और इसे भून लेंगे। ये हमारा अच्छी तरह भूने गया। ये 2 बड़े टमेटोस, 2 बड़े वाले अच्छे, इतने बड़े बड़े टमेटोस की प्यूरी हमने बना के ली है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और उसी के साथ ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी है और ये जो आधी बची हुई रेड चिली पाउडर जो मैंने बोली थी कि हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे ये वो है, ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, ये भुना हुआ क्रश्ड जीरा है, ये 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला है, ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये तमाम मसालों को हम अभी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक अभी भी नहीं डाला है हमने और अभी भी नहीं डालेंगे, आगे भी बाद में डालेंगे हम, और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। सारा मसाला ले लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छी तरीके से ले लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक मैं भून लूंगी। इसके बाद ये हमने यहाँ पे 4 बादाम और 4 काजू लिया था और उसका पेस्ट बना दिया है, ये भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। 4 आलमंड्स और 4 कैश्यूनट्स का पेस्ट बना के रखा था वो भी शामिल कर दिया है, इसे भी भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब इस पॉइंट पे ये ऑरेंज फूड कलर है, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, मिक्स कर लेंगे। वैसे तो कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये
हमने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो इसका कलर आता ही है, लेकिन हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा इसमें। अगर आप इस तरीके से घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की महंगी बटर चिकन की ग्रेवी को आप भूल जाएंगे। ये भून लिया है मैंने। अब मैं इसमें दो हरी मिर्च स्लिट करके डाल दूंगी। आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लगेगा और आप रेस्टोरेंट की महंगी बटर चिकन की ग्रेवी को भूल जाएंगे। उसी के साथ ये क्रीम है, ये आपको इजीली कहीं भी एशियन शॉप में मिल जाएगी। आप अमूल की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम ले रहे हैं। आप अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसे भी भून लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इसे मैं 2 मिनट के लिए लेड लगा के रख देती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये 2 मिनट हमने लिड कवर करके इसे भून लिया था, अच्छे से पका दिया है। अब ये जो साइडों पे लगा है ये हम निकाल देंगे, अच्छी तरह एक जगह कर लेंगे, थोड़ा सा फिर से चला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और ये बची हुई कसूरी मेथी ये पूरी इसमें डाल देंगे, और उसी के साथ ये जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई किए थे ना ये भी पूरा इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिलहाल पानी अभी नहीं डालेंगे और नमक भी अभी नहीं डालेंगे, ये हम चेक करने के बाद ही नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने चिकन में पहले नमक डाला था ना इसके। अब गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे पकने देंगे। ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा, आप यहाँ पे आपको जितना लूज चाहिए कितना थिक चाहिए आप कर सकते हैं। ये एक प्याली पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया फिलहाल। यहाँ मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, इसके लिए मैं आधी प्याली और इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। ये आधी प्याली मैंने और शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह पकने के बाद ही हम इसमें नमक चेक करके, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम नमक डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। ओके, तो इसे हम अभी फिलहाल कुक करते हैं। लिड कवर कर देते हैं, लिड लगा देते हैं और इसे 5 मिनट्स के लिए कुक करते हैं हाई फ्लेम पे। 5 मिनट्स के बाद हम फ्लेम लो करके 2 मिनट्स लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको टोटल हमने 7 मिनट कुक कर दिया है। बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छी और लजीज खुशबू आ रही है। आप भी बनाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। खुसूसन इसे ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको और आपके फैमिली में सभी को पसंद आएंगे। आप अपने मेहमानों को भी खिलाइए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमने चिकन में नमक डाला है तो ग्रेवी में नहीं डालेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हमने चेक किया तो ये थोड़ा सा हम नमक इसमें शामिल कर देते हैं बस। अब और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए और बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना है, ऐसा ही चाहिए था हमें इसका थिकनेस। ज़रूर बनाइए, अपने मेहमानों को, अपने फैमिली में सभी को खिलाइए, हमारे मेथड से बनाइए और हमें फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है हमारी, आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हो, आपको कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को राहत किचन को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसे डिश आउट करके बताते हैं आपको नेक्स्ट। गर्मा गर्म बटर चिकन मखनी बन के रेडी है, आप इसे ज़रूर बनाइए, हमारे मेथड से बनाइए, राहत किचन के मेथड से बनाइए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे और हमें कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फीडबैक बताइए।
दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।